तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 5 ऑल राउंड स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि बेस्ट फ्लैगशिप लेवल के किलर स्मार्टफोन होने वाले हैं। इस बजट के अंदर काफ़ी सारे फ़ोन्स हैं बट जो मैं फ़ोन्स बताऊंगा वो डेफिनेटली काफ़ी कमाल के होंगे, जैसे कि 144 हर्ट्ज रेट की हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट होगी एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आएगा, साथ ही IP68 का रेटिंग यानी कि 20,000 के अंदर वाटरप्रूफ फोन मिलेंगे, फ्लैगशिप लेवल का कैमरा होगा एंड अप टू नेक्स्ट लेवल वाला प्रोसेसर होगा एंड यस पांचों ये फोन्स लेटेस्ट न्यूली फोन्स होंगे। इस बजट में बहुत सारे फोन्स आते हैं, इतने ज़्यादा फोन्स हैं कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाती है, बट मैंने जो फोन्स को ऐड किया है वो बेस्ट में से बेस्ट फोन ढूंढ कर निकाला है, उसके बाद ही इस टॉप 5 को ऐड किया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च रिव्यूज एंड एनालिसिस किया है और उसके बाद ही निकाला है इन पांचों फोन्स को। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आप अपने प्राइस, ब्रांड एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग कोई भी फोन बेस्ट चॉइस कर सकते हो, सारे फोन्स अप टू नेक्स्ट लेवल के होंगे। चलिए बात कर लेते हैं फोन के नंबर लास्ट स्मार्टफोन से। सो गाइस, सबसे पहले नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन आता है ये एक 20,000 के अंदर बेस्ट कैमरा फोन रहेगा। दोस्तों मेनली फोकस है कैमरा ही, तो ये फोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगा जो कि सैमसंग की तरफ से आता है, सैमसंग गैलेक्सी F34 5G। खैर कैमरा तो अच्छा है ही बट डिस्प्ले एंड बैटरी लाइफ भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है कम्प्लीटली प्लास्टिक बैक के साथ आता है, पॉलीकार्बन बैक बॉडी के साथ आता है, 8.8 mm की थिकनेस है एंड 208 ग्राम फोन का वेट है, यानी कि थोड़ा मोटा एंड भारी भी होगा फोन। खैर जो डिस्प्ले होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 6.5 इंच की FHD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है विथ 120Hz रेट हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ, बाकी 1000 nits की पीक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास का 5 का प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, यानी कि जो डिस्प्ले है ओवरऑल काफ़ी कमाल का रहेगा। बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की, तो यहाँ पर 3 कैमरा है जहाँ पर मेन 50 मेगापिक्सल का है, OIS का सपोर्ट मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा एंड 2 मेगापिक्सल का एक लेंस होगा। फ्रंट की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है, बैक से आप 4K 30 FPS पर अल्ट्रा HD में वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटोज को खींच पाओगे, यानी ओवरऑल 20,000 के अंदर बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। सैमसंग का फोन है ये तो वन ऑफ द बेस्ट कैमरा हो ही जाता है। खैर बात कर लेते परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सैमसंग का एक्सिनोस 1280 वाला एक चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि 5 nm पर बेस्ड है, परफॉर्मेंस एवरेज से ऊपर मिल जाता है। आफ्टर द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है बेस्ड ऑन One UI 5.1 एंड इसी के साथ सबसे अच्छी बात ये लगा मुझे कि 4 साल की मेजर OS अपडेट से 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। खैर बात कर लेते हैं बैटरी की, तो यहाँ पर 6000 mAh की बिग मॉन्स्टर बैटरी मिल जाती है एंड 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, 0 to 100% 1 घंटे 40 मिनट में चार्ज हो जाता है, बैटरी लाइफ काफी अच्छी है, बैटरी बैकअप 1 से 1.5 दिन का आराम से आपको निकाल के दे देगा। बाकी यहाँ आपको बता दूं यहाँ पर आपको एडाप्टर नहीं मिलेगा। बाकी अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर साइड माउंटेड फेस अनलॉक मिल जाता है, साथ ही 3.5 mm ऑडियो जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं विथ डॉल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ, स्पीकर की आउटपुट काफ़ी अच्छी है, हाइब्रिड सिम स्लॉट भी मिल जाता है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6GB 128GB के लिए 18,999 rupees देना होगा, कार्ड ऑफर में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा वो आप देख लेना। नाउ चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 4th के स्मार्टफोन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आता है एक रियलमी का 10 Pro Plus 5G जो कि बेस्ट फोन रहेगा, जो कि 20,000 से 21,000 के अंदर मिल जाता है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर लुक वाइज एंड डिज़ाइन काफ़ी यूनिक देखने को मिल जाता है, 3D शाइनिंग डिज़ाइन है, बैक में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, वेट की बात करें तो 177 ग्राम फोन का वेट है। खैर बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर 6.7 इंच की FHD+ 10-bit वाला OLED डिस्प्ले मिलता है जो कि एक कॉर्ड डिस्प्ले है, कॉर्ड डिस्प्ले होने की वजह से बेजल्स बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे, फ़ोन को हाथ पे पकड़ते हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही प्रीमियम लेवल का फ़ोन है। खैर यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट है, 360Hz की टच सैंपलिंग रेट है एंड 950 nits की पीक ब्राइटनेस लेवल भी मिल जाता है, तो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज काफ़ी कमाल का ये फ़ोन रहेगा।
खैर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 वाला एक पावरफुल चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 6nm पर बेस्ड है। एंतुतु स्कोर की बात करें तो 5,30,000 के करीब निकाल के देता है एंतुतु स्कोर। डे टू डे लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं होगी परफॉर्मेंस वाइज। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है बेस्ड ऑन रियलमी UI 4.0 UFS 2.2 LPDDR4 एक सेम है। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं कैमरास की, तो यहाँ पर 3 कैमरा सेटअप है जहाँ पर मेन 108 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो है। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिल जाता है। 4K 30fps पर बैक से वीडियो रिकॉर्डिंग एंड फोटोज को खींच पाओगे। बात कर लेते हैं फोन के बैटरी की, तो यहाँ पर 5000mAh की बिग बैटरी है। 67W का सुपर वुक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। 0 to 100% 45 मिनट में चार्ज हो जाता है। बाकी अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। स्पीकर की आउटपुट काफ़ी अच्छी है, 2 5G SIM लगा पाओगे, नो SD कार्ड एंड नो 3.5mm ऑडियो जैक। बाकी यहाँ पर 8GB की वर्चुअल एक्स्ट्रा रैम मिल जाता है एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 6GB 128GB के लिए 21,999 rupees देना होगा। कार्ड ऑफर में आपको 1100 तक का डिस्काउंट मिल जाता है, वो आप देख लेना। तो इस बजट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा। नाउ चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 3rd के स्मार्टफोन के ऊपर, तो यहाँ पर आता है पोको का X5 Pro जो कि बेस्ट फोन रहेगा। तो चलिए इस फोन के डिज़ाइन से शुरुआत कर लेते हैं, तो नो डाउट बहुत ही कमाल का रहेगा, प्रीमियम लेवल का डिज़ाइन मिल जाता है। वेट फोन का बहुत ही अच्छा है जो कि 181 ग्राम से केवल फोन का वेट, यानी कि लाइट वेट फोन होगा। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.67 इंच की FHD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120Hz सेट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। और AMOLED डिस्प्ले है, यानी कि डिस्प्ले बहुत ही अच्छा रहेगा। पंच होल कटआउट के साथ डिस्प्ले मिलता है एंड 240Hz सेट का टच सिंपली रेट और 900 इसका पिक ब्राइटनेस मिल जाता है। साथ ही गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन का भी सपोर्ट है। HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिलता है एंड ये फोन एक 10 बिट डिस्प्ले होगा, यानी कि ये फोन डिस्प्ले वाइज नेक्स्ट लेवल रहेगा, हाइलाइटिंग पॉइंट मान सकते हो इस फोन के अंदर। कैमरा के बारे में बात करें तो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो भी है। और इस फोन के कैमरे के अंदर HM2 का सेंसर इस्तेमाल किया गया है और बैक से आप 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोज खींच पाओगे, यानी कैमरे के अंदर अच्छा होगा फोन। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर भाई बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस मिलता है जो कि Qualcomm Snapdragon का एक 778 प्लस जी का एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है एंड नो डाउट गेमिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा गेमिंग कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर 5,50,000 के करीब एंतुतु स्कोर निकाल के देता है ये फोन। और बाकी 5000mAh की बैटरी, 67W का सुपर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है, साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक भी मिल जाता है एंड आउट ऑफ द बॉक्स यह फोन एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड है। प्राइसिंग की बात करें तो 6GB 128GB के लिए आपको देना होगा 19,499 rupees। तो दोस्तों जिन्हें ऑलराउंडर फोन के हिसाब से यह फोन चाहिए वो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कर सकते हो, जिन्हें अच्छा डिस्प्ले कैमरा बैटरी ये सारी चीजें चाहिए वो डेफिनेटली इस फोन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो नंबर 2 पे स्मार्टफोन आता है ये इन्फिनिक्स का GT10 Pro 5G है। इस लिस्ट का सबसे पावरफुल फोन है ये। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। बैक में LED लाइट्स जो मिलती है जिससे फोन का लुक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। वेट की बात करें तो 188 ग्राम से, बाकी बहुत ही लाइट वेट फोन है। बाकी यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है एंड आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे मिलता है। और सबसे अच्छी बात की 8GB 256GB का स्टोरेज आता है, ट्रिपल स्लॉट मिलता है यानी कि 2 SIM और 1 SD कार्ड भी लगा पाओगे और 3.5mm ऑडियो जैक और स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है। एंड आपको बता दूं कि ये फोन एक गेमिंग फोन के लिए नेक्स्ट लेवल रहेगा, गेमिंग फोन होने वाला है। बाकी डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.67 इंच की FHD प्लस LTPS AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि 120Hz सेट हाई स्मूथ रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, 360Hz सेट की टच सैंपलिंग रेट और 900 nits की पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाता है और HDR का भी सपोर्ट मिल जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गेमिंग फोन है ये, नो डाउट नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस मिलेगा जो कि MediaTek Dimensity 8050 का एक 5G गेमिंग चिपसेट देखने को मिलता है जिसका एंतुतु स्कोर 7,00,000 के करीब है एंड हाई सेटिंग्स पर 60fps पर घंटों तक गेमिंग कर पाओगे, कोई भी दिक्कत एंड लैग हीटिंग इशू नहीं देखने को मिलेगा, काफी कमाल करेगा फोन नो डाउट गेमिंग के मामले में।
साथ ही यहाँ पर LPDDR4X रैम टाइप है और 3.1 का स्टोरेज टाइप भी मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 45 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। IP53 रेटिंग भी आता है एंड Wi-Fi 6 का सपोर्ट है। एनर्जी सपोर्ट भी मिल जाता है और दोस्तों ये फोन 14 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करता है। कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो भी मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरे के बारे में बात करें तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और फ्रंट से आप 2K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। बहुत ही कमाल का रहेगा कैमरा फ्रंट का और बैक का भी, क्योंकि बैक से भी आप 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो 8GB 256GB के लिए आपको देना होगा ₹20,000। सो दोस्तों ये फोन अंडर 20,000 के प्राइस में नेक्स्ट लेवल रहेगा। नाउ चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट के नंबर 1 के स्मार्टफोन के ऊपर। तो ये अब तक का सबसे बेस्ट फोन है, ये 20,000 के अंदर बहुत ही कमाल का फोन है ये, जो कि मोटो की तरफ से आता है, मोटोरोला एज 40 नियो 5G, जो कि बेस्ट फोन रहेगा। करंटली इस फोन की प्राइस 21,000 है, बट फ्लिपकार्ट पर कार्ड ऑफर में आपको ₹2,000 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जा रहा है, तो आप इसे अंडर 20,000 के बजट में खरीद पाओगे। तो उस हिसाब से ये फोन बेस्ट किलर फोन रहेगा। लुक वाइज एंड डिजाइन वाइज काफी कमाल का फोन है ये, डिस्प्ले में काफी कमाल का अच्छा फोन रहेगा। IP68 का रेटिंग है, यानी कि ये फोन वाटरप्रूफ होगा। चलिए बात कर लेते हैं फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से। तो यहाँ पर जो डिजाइन मिलता है ये 2 वेरिएंट्स में आते हैं, जहाँ पर एक वेगन लेदर हो गया और एक PMMA मिलता है जो कि प्लास्टिक से बेटर क्वालिटी का होता है। 7.9mm की थिकनेस है, 170 ग्राम फोन का वेट है एंड ये फोन अब तक का थिंकेस्ट फोन है। IP68 का रेटिंग है, 20,000 के अंदर वाटरप्रूफ फोन मिलना क्या ही कहना। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वाइज 10 out of 10 है। चलिए बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो यहाँ पर 6.5 इंच की FHD+ 10 बिट वाला POLED डिस्प्ले मिलता है। 144Hz की रिफ्रेश रेट है, यानी कि काफी कमाल का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर। बजट के हिसाब से ये पॉइंट मुझे काफी अच्छा लगा। बाकी यहाँ पर HDR10+ का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। 360Hz की टच सिंपल ग्रेट है, Wide 1 L1 का सपोर्ट है एंड अप टू 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस लेवल है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले वाइज वेरी वेरी गुड, बजट के हिसाब से बहुत ही कमाल का फोन रहेगा। कर्व्ड डिस्प्ले होने की वजह से कंटेंट वॉचिंग के लिए बेस्ट फोन रहेगा। बेजल्स ना के बराबर देखने को मिल जाते हैं क्योंकि कर्व्ड डिस्प्ले है। खैर बात कर लेते हैं फोन के कैमरास की। तो ड्यूल कैमरा सेटअप है, जहां पर मेन 50 मेगापिक्सल का है विथ OIS सपोर्ट के साथ। OIS की सपोर्ट के होने की वजह से ब्लरिंग वीडियोस नहीं आते हैं। बाकी एक 13 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है एंड ये कैमरा 3-in-1 है, यानी कि अल्ट्रा वाइड, माइक्रो एंड डेप्थ तीनों काम एक ही कैमरा कर जाता है। ओवरऑल बेस्ट फोन का कैमरा भी होगा। बाकी यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है, बैक हो या फिर फ्रंट दोनों से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। ओवरऑल बेस्ट कैमरा फोन ये रहेगा। डे लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, साथ ही OIS का सपोर्ट है तो लो लाइट में भी काफ़ी अच्छे फोटोज मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं फोन के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पर लेटेस्ट ब्रांड न्यूली चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि MediaTek Dimensity 7030 वाला चिपसेट है। 60fps पर स्मूथली गेमिंग कर पाओगे। 6nm पर बेस्ट है ये चिपसेट, 5,30,000 से भी ज़्यादा एंटूज स्कोर निकालता है। बाकी UFS 2.2 LPDDR4X रैम टाइप भी है। मीडियम टू हाई सेटिंग्स गेमिंग कर पाओगे। डे टू डे लाइफ में बिल्कुल परेशानी नहीं आने वाली है, एवरेज से ऊपर प्रोसेसर रहेगा। अच्छी बात यह है कि 5000 mAh की बैटरी एंड प्लस 68 वोल्ट का टर्बो फास्ट चार्जर है। 0 to 100% केवल 1 घंटे में चार्ज हो जाता है एंड 15 मिनट में 50% तक चार्ज हो जाता है, तो ओवरऑल बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। खैर बात कर लेते हैं अदर फीचर्स की। तो यहाँ पर आता है डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विथ डॉल्बी एटमोस सपोर्ट के साथ। स्पीकर की आउटपुट काफ़ी अच्छी है। 2 5G SIM है, यानी कि डुअल सिम मिल जाता है। बाकी SD कार्ड का सपोर्ट नहीं है एंड 3.5mm ऑडियो जैक भी नहीं मिलता। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। खैर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आता है, बेस्ड ऑन MIUI UX। 2 साल की मेजर OS अपडेट्स, 3 ईयर्स की सिक्योरिटी अपडेट्स है एंड मोटो का फोन है तो थिंग सेल की सिक्योरिटी भी मिल जाएगी।
तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड क्लीन देखने को मिल जाएगा। 14 5G बैंड्स का सपोर्ट है, लेटेस्ट वाईफाई 6E का सपोर्ट मिल जाता है एंड इस फोन में NFC का भी सपोर्ट है। खैर बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो 8GB 128GB के लिए 20,999 रुपीस देना होगा। कार्ड ऑफर में आपको 2000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, वो आप देख लेना, टाइम टू टाइम प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन के लिंक्स है जिन्हें आप जरूर से चेकआउट कर लेना। लेटेस्ट प्राइस, ओवरऑल आप अपने प्राइस, ब्रांड एंड फीचर्स के अकॉर्डिंग कोई भी फ़ोन ले सकते हो, सारे फ़ोन्स काफ़ी कमाल के हैं। बाकी यही थी ये आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले वीडियो में। बाकी अगर आपको TOP 530 के बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करो, TOP 515 में चाहिए तो इस वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ आपको इसी के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं।